हीरा नगरी के नाम से देश और दुनिया में मशहूर है गुजरात का सूरत शहर। सूरत शहर के कतारगाम इलाके में स्थित HVK नामक हीरा फैक्ट्री से 3,51,40,000 रुपए के हीरे चुरा कर फैक्ट्री में ही काम करने वाला राजू लुहार उर्फ राजू नेपाली चोरी कर 9-2-11 हो गया है। चोरी करे हुए हीरे 1300 कैरेट के थे। हीरा फैक्ट्री में ही चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला राजू सूरत की HVK नामक हीरा फैक्ट्री में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा है। हीरे में चमक लाने का यानी कि पॉलिशिंग करने का इसका काम था। करोड़ों रुपए की हीरा चोरी की ये वारदात हीरा फैक्ट्री के ऑफिस में लगी CCTV में भी कैद हुआ है। करोड़ों रुपए के हीरे राजू लुहार उर्फ राजू नेपाली, जो मूलतः नेपाल के रहने वाले है, जिसने 16 जनवरी की शाम को अपने चोरी के मंसूबे को अंजाम दिया था। 17 जनवरी की शाम को जब हीरों की गिनती हुई, उसमें हीरे कम निकले थे और तब फैक्ट्री के कर्मचारी की करतूत का खुलासा हुआ। करोड़ों रुपए के हीरों की चोरी की खबर मिलते ही सूरत पुलिस का काफिला मौके पर पहुंच गया। सूरत पुलिस के ACP ने सूरत शहर के कतारगाम पुलिस थाने में दर्ज हुई करोड़ों रुपए हीरा चोरी की आधिकारिक जानकारी मीडिया को दी थी। HVK डायमंड में काम कर रहे राजू भाई लुहार, जो लास्ट 15 साल से काम कर रहे थे, वो कंपनी के साइनिंग प्रोसेस के लिए दिए गए हुए हीरे अपने साथ लेके वहाँ से चला गया है। इस बारे में कंपनी के मालिक ने पुलिस को जानकारी दी है। अभी उसमें FIR ड्राफ्ट करने की कार्यवाही चालू है। तकरीबन 1250 कैरेट है और उनकी कीमत 3,51,00,000 के करीब है। हीरा नगरी सूरत में हुई करोड़ों रुपए के हीरों की चोरी के इस मामले को सुलझाने में सूरत पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर चोर तक पहुंचने की कोशिश शुरू की है। इस बीच चोरी का आरोप जिस डायमंड वर्कअप पर लगा है, वो मूलतः नेपाल का रहने वाला है और इसीलिए उसके नेपाल भागने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।